अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चने की दाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो मैंने ये पतीली रख दी है, इसको मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। 1 कप हम ऑयल डालेंगे। दाल में ज़रा ऑयल नज़र आता है तब भी ज़रा दाल मज़े की होती है। तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें पहले डाल देंगे थोड़े खड़े मसाले, जिसमें ज़ीरा है और एक दालचीनी का टुकड़ा है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा ज़रा दरदरा होने दें, फिर इसके बाद हम प्याज ऐड कर जी। तो ये देखें, हल्का सा दरदरा हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी, एक बड़ी प्याज है मेरे पास, इसको मैंने चॉप की हुई है। ये डाल के इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये तो ये देखिए, ये गोल्डन हो चुकी है प्याज। अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। और इसको इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें डाल देनी है। ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली हुई है, इसको हम डाल देंगे जी। तो ये हो गया हल्का सा फ्राई। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं, इनको मैंने हल्का सा चॉप किया हुआ है। तो ये देखिए, ये हम और टमाटर हरी मिर्चें सब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं इसमें। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमारे पास ये देखें, इसमें हल्दी है 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, और क्या नाम है, कुटी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून जी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से भुनाई होगी इसकी। अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कैप उठाती हूँ इसका और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी करेंगे भुनाई अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा, प्याज टमाटर जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में। ये देखें इस तरह से। जी तो ये देखिए, अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है इसकी। अब मैं इसको साइड पे करती हूँ। और ये है मेरे पास चने की दाल। ये मैंने 2 कप चने की दाल ली थी, इसको 2 घंटे से मैंने भिगो के रखा हुआ है। अब मैं इसका पानी निकाल के इसको डायरेक्ट इसी में डाल दूँगी। और फिर जी तो मैं ये चने की दाल इसमें मिक्स कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए जी। तो ये देखिए, सारा पानी खुश्क हो चुका है। भुनाई देखिए कितनी ज़बरदस्त हुई है। ये देखें, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया इसका और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया वह सारा। अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी दाल भी गल जाएगी, फिर उसके बाद हम तड़के लगाएंगे जी। तो इसको 1/2 घंटा हो चुका है और दाल मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें, ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है जी। तो अब मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। ले लूँगी तकरीबन 1/2 कप की बड़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची और 2-3 काली मिर्चों के काली मिर्चें और 1 लौंग, ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे जी। तो ये देखिए, दाल का तड़का जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब चूल्हा बंद कर दिया था उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। और ये देखिए, बिल्कुल मसाला जो है इसका, तड़का बिल्कुल तैयार है जी। तो ये देखिए, दाल मैंने बाउल में सर्व कर ली है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं तड़का डाल देती हूँ जो मैं जी। तो ये है ढाबा स्टाइल चने की दाल, जो आज की मेरी रेसिपी थी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और कितनी ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।